आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव लखौरी जलालपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 16 किलोमीटर है। 1900 वोट और 6000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान कामेंद्र सिंह ने अपने हाथों में संभाल रखी है। ये गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों की यहाँ काफी मदद की गई है। ग्राम प्रधान कामेंद्र सिंह और सचिव उमेश कुमार के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना विकास कराया है और अभी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के लखौरी जलालपुर ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से यहां लोगों की मदद की गई है और क्या कोशिशें इनकी आगे समय रहते जारी रहेंगी, इस सब की जानकारी हम यहाँ ग्राम प्रधान से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि कार्यकाल तो आपका समाप्ति की ओर है आप इस समय में, लेकिन जितना वक्त बीत चुका है उस वक्त में क्या क्या विकास कार्य गांव में करवा दिए गए हैं? ज्यादातर तो सब सीधी टाइल हो गई है, एक ही रास्ता बताया है PWD में जिसका पानी भर रहा रास्ता हो गया है। बाकी सब गांव के अंदर के रास्ते लगभग पूरे 100% पक्के हो गए, पक्के हैं सब जी। ऐसा कोई ना कच्चा हो या पड़ा हो कोई। जी जी जी। आवास मिले हैं लोगों को? आवास मिले हैं, प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, इंदिरा आवास मिले हैं। अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है? ऐसे तो ना, दो चार ही हैं जिनका कच्चा है थोड़ा बहुत ही, बिल्कुल कच्चा तो है ही ना गाँव जी। जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली वो सब है, या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, ये आपके गांव में सबको मिल रहा है? सब मिल गया है, कनेक्शन भी सबका होगा, गाँव में एजेंसी हमारे जी, सबके कनेक्शन वहीं से होगा। पेंशन वगैरह मिल रही है लोगों को? मिल रही है। ये स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या काम करवाए हैं? स्कूल शौचालय करवाए हैं, सीधी टाइल बिछवाई है उसमें, और समर्थन कराया, कंडीशन कराई, सौंदर्यकरण यानी कि आपने जो है काफी कराया है स्कूल में सब कुछ। इतना गेट बनाया, इतना सौंदर्यकरण जो करवाया है उसमें आपको क्या लगता है पिछले सालों में और अब इतना बदलाव स्कूल में करवाने के बाद में क्या कोई बदलाव स्कूल की शिक्षा या बच्चों की संख्या को लेकर आया है स्कूल में? ना, स्कूल में जनसंख्या बढ़ी है बच्चों की, और मास्टर भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं जो उनसे हैं इस टाइम। पढ़ाई अब पहले से बेहतर हो? पहले से बेहतर बहुत। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है गांव में? गांव में साफ सफाई तो बिल्कुल साफ सफाई हो गया, सफाई कर्मी आता है रेगुलर? डेली बैठा अभी। अच्छा अच्छा, तो मतलब कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि कूड़े के ढेर या नालियों से निकला हुआ नालियाँ? सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत भवन ये बने हुए हैं? बारात घर बना हुआ है, पंचायत घर बना हुआ है, पंचायत घर है, आंगनवाड़ी केंद्र? आंगनवाड़ी केंद्र बना हुआ नहीं है स्कूल में, मतलब आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है यहाँ पर, बिजनेस नहीं है, नहीं जो भी काम उसका होता है वो स्कूल में ही होता है जी। अस्पताल बना हुआ है? जो अस्पताल यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उसमें डॉक्टर बैठते हैं? नहीं, डॉक्टर नहीं करते, है वो तो महीने में या हफ्ते में आती है। कोई दवाई या कोई सुविधा उसकी लोगों को मिलती है अस्पताल की? अस्पताल की। कितने सालों से यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है? पंद्रह साल से यहाँ, लेकिन अभी तक किसी को कोई इसका फायदा नहीं मिल पाया है। पर डिस्पेंसरी को बैठे हैं जोर वाले डॉक्टर, वो बैठे हैं। तो मतलब जो है यहाँ पर जैसे 70 दिन का लॉकडाउन रहा है पूरी तरह से, तो कई जगह कई लोगों को बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ सामने आई हैं खाने पीने को लेकर के या और भी कई तरह की परेशानियाँ, तो आपके गांव में भी क्या ऐसे लोग रहे हैं जिनके आगे इस तरह का कोई संकट? ना, ऐसा कोई नहीं। या अगर हैं तो आपने उसमें क्या सहयोग करा है? एक को पड़ा है भाई, इसे दिए हमने सचिव ने 2000 रुपये, बाकी कोई ऐसा नाम है सक्षम लगभग सभी की स्थिति सही रही, सबकी सही है। बाहर से जैसे लोग आए हैं, मजदूर लोग आए हैं, तो क्या आपके गाँव में भी आए बाहर से? हाँ, बाहर से समय में जांच वगैरह उनकी करवा दी गई थी, जांच कराई है सबकी, लिस्ट है। जी जी जी। तो अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहते हैं आप? अब क्या आप जो सब सही हो गए, ये शौचालय बनने आए, सार्वजनिक शौचालय जी, अब शादी हो जाए, अलग हो जाए, क्या लगा मेरा शौचालय ना? जी जी जी। सार्वजनिक शौचालय बन गया जी। तो जैसे बारात घर यहाँ पर नहीं है या और भी ऐसी कुछ समस्याएं होंगी जिनके लिए आपको लगता होगा कि अगर सरकार मदद करे या थोड़ी धनराशि आपको और ज़्यादा मिले, या किसी तरह से कोई मांग अगर आप रखना चाहते हैं गांव में, कोई समस्या ऐसी देखते हैं ना? ऐसी समस्या जो विकास के आए हैं अभी, जिससे लगता है कि गांव पूरी तरह से विकसित होने में अभी कमी है? ना ना, वो सब चीज़ें हमारे गाँव में जी लगभग सभी सही है, सब कुछ सही है। अब जैसे अनलॉक हो चुका है और कोरोना जो बीमारी है
वो बढ़ ही रही है दिन दिन बढ़ी रही। तो इसके लिए आप अपने गांव वालों से कुछ कहना चाहेंगे? गांव वाले सब बहुत यार, कोई जाते ही ना है इधर उधर, न जाते कहीं देखेंगे इधर उधर बैठे हैं, यहाँ सभी नियमों का पालन है। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास बीते 4-4.5 सालों में यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा करवाया गया है, जैसे कि 100% सभी रास्ते इस गांव के पूरी तरह से कीचड़ मुक्त कर दिए गए हैं, सीसी टाइल्स कार्य यहाँ पर हो चुका है, इसके अलावा आवास कुछ लोगों को मिले हैं, शौचालय से गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, स्कूल में भी कायाकल्प के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है। कुछ समस्याएं यहाँ अभी भी बाकी हैं, जैसे कि बारात घर यहाँ पर जो कि निर्मित नहीं है, इसके अलावा यहाँ जो प्रमुख समस्या बिल्कुल वही सामने आई है जैसे कि और आसपास के गांवों में हमने देखी और सुनी है, स्वास्थ्य केंद्र जो कि बना हुआ है पिछले 15 साल से जिसकी बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी सुविधा का लाभ ग्रामवासी आज तक उससे नहीं ले पाए हैं। अशरफ अली के साथ मनाज़िर।